तो सांग मैंने आपण चेहरा को गोरा और सुंदर करने जब चाहूँ तो आज वीडियो को आपने संपूर्ण भाव में देखते आ मुझे ग्यारंटी दे कहूँ आपने आज वीडियो देखी सारापर मुझे कहली से ही प्रोसेस यूज कले आपर जदि देहर कला दाग थी कि गोरा थे आप तो निहाती आपर चेहरा सुंदर करवा पूरा पूरी आपँ गोरा करदेव हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल रिचा टिप्स एंड ट्रिक्स आशा कर आपने समस्त बहुत भल रही तो ये आम नाचुराल वे आम घर या जिनस मैंने सब जहाँ जहाँ घर मैंने किचेन रूम्रे मिल पार से ही जिनसे बनई पारे तो देखो ये आपने चाउल नहीं जी जेको चाउल आपने घर थीपर ह्वैट हो कि आम जो उषुना चाउल हो चाउल आपण घर अच्छी तो या जाए तो मुझे पूरा नाचुराल वे बतेबी जहाद्वारा कि आपने कौन सी मुँह केमिकाल जिनस यूज करेनि तो देखो ये दुई चामच मुझे जो आम घर यूज कर जो चामच तो से ही चामच मुझे दुई चामच चाउल को नहीं गली तो देखो या कौन करेंगे भल भाव धोईकी नहीं आसवे मुझे धोई देती तो ये आपने गोटे ग्लास पा दे तो देखो सांग मैंने आपने दुई चामच चाउल गोटे ग्लास पा देते भल भाव आपने चामच गोलई ने तो देखो आम मार्केट रू बहुत दामी जिनस बहुत दामी दामी प्रडक्ट किणिकी नहीं आसू आम चेहरा को गोरा कि सौंदर्य करने कि आपरे जिनस नाचुराल वे कहीं तो पुणी बहुत कम पैसा तो देखो चाउल तो बहुत सारा प्रोटीन था जहाँकि आम खावा द्वारा आम देह एनर्जी आसे सहित आम स्किन भी स्किन में लगे आपंकर स्किन भी बहुत गोरा आ बहुत सुंदर करने आपय कर तो से चाउल को आपण मैंने कौन करेंगे पूरा पूरी आपने भात जमी बसा जाए ठीक जमी चाउल भात बना जाए आपने ठीक सेमती चाउल पूरा भात बनदे आ भात पूरा नरम जमी कराए पूरा से टाइप पूरा नरम भात आपने तो सांग मैंने जो मैंने चैनल नुआ अच्छा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करूँ अल् नोटिफिकेसन को क्लिक करूँ ताकि नुआ नुआ भिडर नोटिफिकेसन सर्वप्रथमें आपंप पहुँच पार आज वीडियो भल लगे वीडियो को लाइक करेंगे अन्य मान सहित सेयार करने जमा भी भूलें सहित आपने जिनस को बनातु घर यूज करूँ और आपंकर रेजल्ट केमी रहा मत कमेंट सेक्शन में निहत आपर मतामत जनातु तो देखो ये आस्ते आस्ते तो आम चाउल फुटवाक लगलानी ये भात हम ता देखो आपने अलग जेकोसी रिलेटेड टीप्स एंड ट्रिक्स जानापी चाहूँगी मत निहाँ कमेंट सेक्शन में जनातु मुझार भिड बहुत शीघ्र नहीं आसवि सहित आपने एरिया देखुं जब मत कमेंट सेक्शन में जनाते ताकि मत खुशी लगता नुआ नुआ भिड बनवाई मोटेसन मिल पारंता तो ये तो आम पूरा नरम भात बनिक रेडी तो ये गैस को अफ करदे तो या गोटे मिनट पाखापाखि छाड़दे ये पूरा पूरी भल भाव में थंडा हो तो ये थंडा हो सारापर तो आपे कौन करेंगे गोटे मिक्सिंग जार नहीं आसवे तो से आपने जो भात बनई रखि या देदेवे तो देखो आपण मैंने कौन करेंगे सब जे आम बन चाउल भात तो या सारे ये आउ किसी जिनस आपड करेंगे जोटा मुझे आगे कहि तो देखो आपन सहित देखूँ तो ये आपने मिल्क ने तो आपने कंचा मिल्क हो कि आपण मानकर मानने घर फुटे रखी मिल्क भी हो दुई चामच ये मिल्क को आड करेंगे तो ये या कौन करेंगे भल भाव में पेशिकी नहीं पलै आसवे ग्राइंडिंग करके पलै आसवे पूरा पूरी जमी यार गोटे पेस्ट बनईदे तो देखो ये आम पूरा थिक् पेस्ट बनिक रेडी जाइए तो ये आपने कौन करेंगे गोटे कंटेनर में आपने बाहर करके रखने जोटा कि आपने तो आम फ्रिज में स्टोर करके रखा कारण चाउल तो बाहर रखिले खराब हो जो भात बनिक रही तो से आपने कौन करेंगे जो थी आपने फ्रिज्रे रखिपारे तो से भाया कंटेनर गोटे नहीं जाए तो भितर आपदेवे तो ये आउ किसी जिनस आम आड करवा तो ये देखो ये गोटे चामच मुझे कर्नफ्लोर को आड कर तो कर्नफ्लोर आम बडी को ह्वैटने सहित आम बडी एक्सट्रा जो अएल को मैंने आम मुहर जो अएल आस जाए तो भी बाहर करदेव सहित आम जैसे डस्ट आ धूली थाए मैंने बड़ी जाए तो भी मैंने बाहर करके रिलीज करदेव तो आपने गोटे चामच देवे ये नड़िया तेल तो ये मार्केट रे नड़िया तेल भल जो पड़ू नहीं पारे ना घर बना नड़िया तेल नहीं पारे ये डबारे मुझे घर या नड़िया तेल को रखी थी तो से कलर टी अधिक गाढ़ा जाए कि ये नड़िया तेल तो देखो ये गोटे चामच मुझे नड़िया तेल को आड कली नड़िया तेल काम होगा आम बडी में जिते सब ब्लाक दाग थाए कला कला दाग थाए तो यही सब जिनस को सी आराम से लिभे दे जो कला दाग थाए मैं आम देह पूरा पूरी गायब करदेव तो ये आपने गोटे लेंबू नहीं जी तो देखो लेंबू आम चेहरा को तो ग्लो करार आम चेहरा सब डस्ट थो जो कला दाग थो ये सब भी बाहर करने से मैंने बहुत भल भाव कम कै तो देखो लेंबू में विटामिन सी थाए आम बडी आम चेहरा विटामिन सी निहाती आवश्यक तो से आपण कौन करेंगे यूर गोटे लेंबूर फाड़ करदे आ गोटे फाड़ लेंबू जी रस बाहर भल रस जी थी गोटे फाड़ ने ना गोटे लेंबू आपने तो ये गोटे फाड़ लेंबूर रस आपने बाहर करके देदेवे तो देखो ये सब जिनस किचेन रूम्रे पारे सब जिनस घर थी जोटा कि आप नाचुराल वे आपने घर थी जिनसे बनई पारे
ଏବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଲେମ୍ବୁ ରସକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ତ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଲେଡ଼ିଜ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଜେଣ୍ଟସ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ, କାରଣ ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ, କୌଣସି କେମିକାଲ ନାହିଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ। ତ ୟାକୁ ତ ବନେଇ ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ୟାକୁ ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବେ, କେତେ ସମୟ ରଖିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ବନେଇକି ବେଶୀ ଦିନ ପାଇଁ ରଖିବେନି, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ବନେଇକି ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ରଖିପାରିବେ, ଆଉ ଅଧିକା ଦିନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ବନେଇବେନି। ତ ୟାକୁ ବନେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଷ୍ଟୋର୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ 4-5 ଦିନ ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଦେଖାଉଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଠି ମେହେନ୍ଦି ତ ଲଗେଇଛି, ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ଫାଙ୍କା ଅଛି, ତ ଏଇପଟ ସାଇଡ୍ ହାତରେ ମୁଁ ଏବେ ଲଗେଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ନର୍ମାଲ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି କ୍ରିମ୍ ଲଗାନ୍ତି ବଡ଼ିରେ କିମ୍ବା ଫେସ୍ରେ, ତ ଠିକ୍ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆପଣମାନେ କ୍ରିମ୍ ଲଗେଇଲା ଟାଇପ୍ର ଲଗେଇଦେବେ, ଟିକେ ମସାଜ କରିକି ଲଗେଇବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆରାମସେ ଫେସ୍ରେ ବି ଲଗେଇବେ, ଅଲ୍ ବଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର କଳା ଦାଗ ବି ଅଛି, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନେ 20 ମିନିଟ୍ ପାଖାପାଖି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଅଧଘଣ୍ଟା 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ରଖିକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ହାତ କିମ୍ବା ମୁହଁରେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ରୁମ ଥାଏ, ଆମର ଚୁଟି ଥାଏ, ଯଦି ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ହାତରେ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟାକୁ ଟିକିଏ ହାତରେ ଏମିତି ଇଏ ଟାଇପ୍ର କଲେ, ଯେଉଁ ଆମର ରୁମ ସହିତ ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମେ କ୍ରିମ୍ ବନେଇଥିବା ସେ ତ ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ତା ସହିତ ରୁମ ବି ଆମର ଉପୁଡ଼ି ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେୟା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଆପଣମାନେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ, କିମ୍ବା ଫେସ୍ରେ ଯେଉଁଠି ବି ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଥିବେ ହାଲକା ଉଷୁମ ପାଣିରେ ୟାକୁ ଧୋଇବେ। ତ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍କିନ୍ କେତେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ ବହୁତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବି ରହିବ, ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ସହିତ ବହୁତ ଗ୍ଲୋ ବି ମଧ୍ୟ କରିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ତ ହାତକୁ ସଫା କରିନେଲି, ତ ଆପଣମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲେ କେତେ ସାରା ରେଜଲ୍ଟ। ଏଇପଟ ହାତକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁଠି ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେତେ ହ୍ୱାଇଟ୍, ତା ସହିତ ପୁରା ମାନେ ସଫ୍ଟ ବି ସ୍କିନ୍ଟା ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ତ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଥରେ ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୱିକ୍ଲି ମାନେ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ 3 ଥର ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ଗୋଟେ ଦିନ ୟୁଜ୍ କଲେ ତାପରେ 2 ଦିନ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଆପଣମାନେ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ୟାକୁ 3 ଦିନ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଭଲ ଭାବରେ ଆମର ମାନେ ସ୍କିନ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ କରିଦେବ, ତା ସହିତ ବହୁତ ସଫ୍ଟ ରଖିବ, ତା ସହିତ କଳା ଦାଗ ଥିଲେ ବି ଆମର ସ୍କିନ୍ରୁ ହଟେଇଦେବ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଟିପ୍ସଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଅନେସେରୀ ମାର୍କେଟ୍ରୁ ଅଧିକା ଦାମ୍ ଦେଇକି କୌଣସି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ନେଇକି ଆସନ୍ତୁନି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଘରେ ଥିବା ଜିନିଷରେ ଏମିତି କ୍ରିମ୍ ବନାନ୍ତୁ ଆଉ ଲଗାନ୍ତୁ, ଆଉ ଚେହେରାକୁ ଗ୍ଲୋ କରନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର୍ କରିବେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।